हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग सब। मेरी आज की वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्योसेरा प्रिंटर के बारे में। उसमें टोनर का इश्यू आता है, जेन्यून टोनर का इश्यू आता है। बार बार जब भी आप चालू करोगे वो आपको आएगा, तो वो टोनर के इश्यू के बारे में हम लोग आज बात करेंगे इस वीडियो में। उससे पहले आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही साथ वो बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि ये जो मैं वीडियो बनाता हूँ आप लोगों तक जल्द से जल्द आवे और उसका नोटिफिकेशन, उसका अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ वो बेल आइकन को भी दबा देना। तो चलते हैं, हम लोग आगे वीडियो बढ़ाते हैं, शुरू करते हैं, बताते हैं कि क्या प्रॉब्लम है और किस तरीके से आता है। तो ये हमारे पास क्योसेरा का प्रिंटर है। इसमें जो टोनर का इश्यू आता है लगी हुई जेन्यून टोनर है, जो इसके साथ आई थी वही है। आज मैंने इसको यूज़ किया, मेरे को 1.5 साल के आसपास हो रहा है यूज़ करके, और इसमें ये जेन्यून टोनर इश्यू आ रहा है। तो मैं आपको चालू करके दिखाता हूँ। ये देखिए, आपके सामने मैंने चालू किया, अभी ये चालू होगा। अभी ये आप जितनी भी बार चालू करोगे ना, तो ये नॉन जेन्यून टोनर प्रेस हेल्प, अब ये हेल्प करोगे ना तो आपको कुछ देखने नहीं मिलेगा। आपको करना क्या, ये ओके और ये स्टॉप, ये दो वाला बटन है ना, वो दबा के रखता है। अभी आपको यस प्रेस करना है। ये आपको जब भी जितनी भी बार आप चालू करोगे ना, हर बार आपको करना है, तब ये आपका चालू होगा। अभी ये देखो, ये सारा हट गया और है इसके अंदर 100% जेन्यून टोनर, और जिसमें प्रॉब्लम आ रहा है। ये स्टेप आपको फॉलो करने के बाद आपको वो जेन्यून टोनर वाला जो प्रॉब्लम है वो देखने नहीं मिलेगा। और दूसरी एक अपडेट मैं देना चाहूँगा, ये एक पाउडर है 500 ग्राम का, मैंने अमेजोन से मंगाया था, है क्योसेरा का, लिखा हुआ है क्योसेरा का, मॉडल नंबर वगैरह सब लिखा हुआ है इसके ऊपर। तो मेरा कहना ये है कि ये जो हम पाउडर यूज़ करते हैं, तो ये ऑनलाइन न मंगा के ऑफलाइन में, अगर जो कोई क्योसेरा का करता हो काम, या आपने जिसके पास क्योसेरा परचेस किया हो, प्रॉपर उसकी गाइडेंस लेके ये जेन्यून पाउडर मंगाइए जो इसमें यूज़ होता है। हालांकि इसमें कई सारे आपको ऑनलाइन मिलेंगे जिसके पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, वो इस वाले मशीन के लिए नहीं होता। क्योसेरा में भी बहुत सारे मशीन है, पर वो वाला जो पाउडर है वो इस मशीन के लिए नहीं होता, तो वो पूरे प्रिंटर की वाट लगा देता है। तो आप जो है किसी को भी जो सर्विस करता हो ना क्योसेरा का, उनकी प्रॉपर सलाह लेके फिर बाद में उनके पास से ही पाउडर मंगाए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। लेके आता रहूँगा इसी तरीके से वीडियोस आप लोगों के लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्यार करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, ताकि आप लोगों को पता चले कि एक्चुअल में कौन सी चीज़ में क्या इश्यू होता है, और आपको वो चीज़ बाई करनी है या उसका डिग्नोसाइज करना है या कैसे यूज़ करना है, वो सब आपको पता चलेगा मेरी सारी वीडियोस में। तो आप जैसे ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को सब्सक्राइब करोगे, तभी मैं वीडियो बना पाऊँगा और आप लोगों के लिए ऐसी मज़ेदार वीडियो ला पाऊँगा।